अस्सलाम वीवर्स, वेलकम टू फूड वर्ल्ड विद महक। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है एक क्विक स्नैक रेसिपी जो कि हर घर में सबको ही पसंद होती है, और जब हमारा दिल चाहता है हम इजीली बना लेते हैं। तो हम बना रहे हैं आलू टिक्की। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम आलू लिए थे जिसको हमने बॉयल किया है। ओवर बॉयल हमने नहीं करना है, और बॉयल करने के बाद हमने आलू को एक घंटा फ्रिज में रखा है, पील कर लिया है। अब हमने आलू को ग्रेटर से ग्रेट करना है, और उसके बाद हमने ऐड करना है 2 खाने के चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लावर या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 बहुत छोटे साइज़ की प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन जिसको हमने पीस लिया था। अब हमने ऐड किया है नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और उसके बाद हमने ऐड किया था 1/2 टीस्पून यानी कि 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून हमने इसमें खटाई पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर भी ऐड किया है जिसका शॉट हमसे बाय मिस्टेक मिस हो चुका है। अब हमने मिक्स करना है आलू में ताकि मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और टेस्ट डिवेलप हो जाए। आप देख रहे हैं कि मेरे जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा मशीन नहीं है, तो आपने भी आलू की इसी कंसिस्टेंसी को मैनेज करना है। मिक्स करने के बाद हमने जितने भी आलू हैं उसको शेप देनी है। सबसे पहले हमने एक पोर्शन लेना है, उसके बाद हमने बॉल बनानी है, और बॉल बनाने के बाद हमने फ्लैट कर लेना है कबाब की शेप में। मिक्सचर की शेप हमने रेडी कर ली है सारी। अब हमने 2 टेबल स्पून मैदा यानी कि 2 खाने के चम्मच मैदे में पानी ऐड करना है, और स्लरी रेडी करनी है, और इतना मिक्स करना है कि कोई लम्स बाकी ना रहें। स्लरी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब जो हमने टिक्की रेडी की थी उसको पहले हम डिप करेंगे स्लरी में, और उसके बाद हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। प्रेस करके अच्छी तरह हमने टिक्की को कोट करना है क्रम्स में। कोटिंग हमने कर ली है। अब हमने ऑयल को हीट करना है, और उसके बाद हमने 1 by 1 उसमें टिक्की ऐड करनी है और शेलो फ्राई करना है। करेंगे, आप देख सकते हैं एक साइड से कलर आ चुका है। अब हमने ऑयल को ऊपर से भी जो टिक्की है उस पर पॉर करना है, और तब तक फ्राई करना है जब तक दोनों साइड से टिक्की का गोल्डन कलर आ जाए। टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम किचन पेपर पर निकाल लेंगे। मज़ेदार आलू टिक्की बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कीजिए केचप या ग्रीन चटनी के साथ, और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। स्टे कनेक्टेड टू फूड वर्ल्ड विद महक। अल्लाह हाफिज़।